एजेंडे ने उनको रोड पे नहीं आया ना, और क्या चाहिए। जो हम लोगों ने जो नौकरियां दी है, रोजगार दी है, और जो जरूरत है लोगों की उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो अब पटना में आए हैं, स्वागत है, लेकिन इस एजेंडे ने रोड पे लाया है उनको। सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है बीजेपी के लिए वो सीट, और वहीं पे रोड शो करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को, कैसे देखते हैं। अब देखिए ना, पिछले बार जब आए थे तो चुनाव के समय आए थे, इस बार फिर आए तो चुनाव के समय आए। और जो इस बार बिहार में हम पहले से कहते रहे कि चौंकाने वाला रिजल्ट लाएगा, उससे लोग भयभीत हैं। अब चौंकाने वाला रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि जो सेफेस्ट सीट है उसमें भी एक खतरा महसूस कर रहा है। तो हमको तो लगता है कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। अब प्रधानमंत्री होके एक यूनिवर्सिटी का दर्जा सेंट्रल नहीं दिला पाए, और हमारे चाचा ने कई बार आग्रह भी किया, हम लोगों ने भी आग्रह किया भाई कम से कम उस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दीजिए, वो भी नहीं कर पाए। अब छोड़िए ना, उनकी बात है। अमित शाह तो चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है ना, फालतू का केस में लोग बंद थे, और आप तो इंटरव्यू लिए थे किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। इसमें हम क्या कहें, और राहुल गांधी को शहजादा कहने के बाद अखिलेश जी को भी शहजादा कहा है पीएम मोदी ने, और उत्तर प्रदेश में जाके पटना वाले शहजादा कर रहे हैं, की पॉलिटिक्स करते हैं अपनी पार्टी, आपको कह रहे हैं पटना वाला शहजादा, पटना के शहजादे लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अरे भाई वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं पीरजादे, इसलिए हमको शहजादा कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, काम की बात। और हम लोगों को लगता था कि भाई जो सुना करते थे जो बुजुर्ग लोग हैं वो काम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग होकर के ना काम की बात करते हैं, ना ध्यान की और ना ज्ञान की बात करते हैं, केवल झूठ की बात करते हैं। अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे, बीजेपी का एक भी सांसद अगर रहेगा दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म नहीं होने। सब चीज तो प्राइवेटाइज हो ही रहा है, तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है, और जब संविधान ही जब खत्म कर देंगे जो उनके प्रत्याशी और एमपी वगैरह सब बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म होगा। और हम लोगों ने जो 75% आरक्षण किया उसको अब तक शेड्यूल 9 में इन लोगों ने नहीं डाला है। हम लोगों ने कैबिनेट में भेजा था नोट, उसी 17 महीने में ये काम हुआ ना। अब भाई अब अकेले हैं यहाँ, और हम लोग जो है जनता चाहती है कि लोगों के बीच हम लोग जाएं। इतने गर्मी में भी हजारों की संख्या में लोग जो है सुनने आते हैं, जो हम लोगों का शारीरिक दर्द है वो कोई उनके दर्द से बड़ा दर्द नहीं है। उनका जो बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का जो दर्द है बहुत ज्यादा है, तो ये तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो जाएंगे। वोटिंग है, क्या वोटिंग है, सफाया हो गया एनडीए का।